फिट टेक। दोस्तों आज लेकर आगे हमारी आज की टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट्स को लेके। और दोस्तों सबसे पहला अपडेट आपको बता दूं, निकल के आ रहा है हमारी एनडीआरएफ की तरफ से। दोस्तों एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, दोस्तों इनका ट्विटर हैंडल जो है वो हैक हो गया था सैटरडे को, दोस्तों करीब करीब आप कह सकते हो रात के 10:45 पे। और दोस्तों दो या तीन मिनट बाद जो टीम ने अपना ट्विटर हैंडल है वो रिकवर कर लिया था। बेसिकली उन्होंने कहा था कि इसका नेम या फोटोज वगैरह कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे, उनको रिकवर कर लिया गया। और दोस्तों ट्विटर को भी ये पता चला तो उन्होंने इनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। और लगभग आप कह सकते हो 24 आवर्स के बाद में संडे को शाम 6:14 के करीब इनको इनका अकाउंट वापस मिला। और दोस्तों पता नहीं पर ये अब रिस्टोर हो चुका है और काफी टाइम लगा इसे रिस्टोर करने में ट्विटर की तरफ से। टीम ने तो कहा था हमने तो कर लिया था रिस्टोर, पर ट्विटर ने थोड़ा टाइम लगा दिया इसे और अब जो है ये नॉर्मली वर्किंग में है। और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F23 5G, दोस्तों इस फोन को स्पॉट किया गया है गीक बेंचमार्क के ऊपर। दोस्तों क्वालकॉम का कोई प्रोसेसर आने वाला है, अब दोस्तों आइडिया नहीं है कौन सा आने वाला है, हो सकता है 6 सीरीज का हो। अब दोस्तों आपको बता दूं इसके अंदर 6GB की रैम मिलने वाली है, एंड्रॉइड 12 के साथ में ये फोन आने वाला है। और दोस्तों कहा जा रहा है कि इस फोन के अंदर हो सकता है 6 सीरीज का कोई 5G प्रोसेसर, जो 690 या 695 हो सकता है, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों रेडमी ने कंफर्म कर दिया उनकी रेडमी नोट 11S इंडिया में आएगा 9 फरवरी को। दोस्तों कंपनी की तरफ से कंफर्म हो चुका है और ये फोन जो है काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का क्वाड कोर कैमरा सेटअप आपको रियर साइड में मिल जाएगा। फ्रंट में देखते हैं दोस्तों 16 होता है 32 होता है, इनमें से कोई होने वाला है। और दोस्तों एमोलेड स्क्रीन के साथ में आएगा ये फोन, बाकी देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यहीं पे अगला अपडेट बता दूं आपको निकल के आ रहा है वीवो की तरफ से। दोस्तों वीवो का Y75 5G, दोस्तों इसके कुछ रेंडर्स लीक हुए हैं और आपको बता दूं ये पता चला कि 5000 mAh की बैटरी आने वाली है। इसके अंदर आपको मिलने वाला है 50 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, फ्रंट में आपको 16 MP मिलेगा। और दोस्तों साथ में इसके अंदर एक्सपेक्टेड है एंड्रॉइड 12 मिल सकता है आपको फ्रंट टच ओएस 12 के साथ में। दोस्तों ये भी एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर 6.58 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले आने वाली है। दोस्तों देखते हैं, आपको बता दूं ये वाटर नॉच डिस्प्ले होगी जिसके अंदर आपको 16 MP का कैमरा मिलेगा, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं व्हाट्सएप जो है वो टेस्ट कर रहा है 2-step verification को डेस्कटॉप यूजर्स के लिए। दोस्तों वहां पर नहीं आती है जैसे हमारे मोबाइल्स में आती है एंड्रॉइड या iOS यूजर्स के लिए, तो वहां पर अभी टेस्ट कर रहा है, आ सकते हैं उनके लिए जल्दी। और दोस्तों जो वॉइस कॉल वगैरह हम करते हैं उसके जो बैकग्राउंड होते हैं, जो आपको पता है वॉलपेपर जो है, वो चेंज करने का कोई ना कोई ऑप्शन आने वाला है जल्दी या फिर वो चेंज होने वाला है, देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहां पे एक इश्यू निकल के आया है iPhone 13 के अंदर। दोस्तों iPhone 13 सीरीज जो है इसकी स्क्रीन जो है वो पिंक हो रही है अपने आप ही। दोस्तों यूजर्स जो है बहुत सारे यूजर्स हैं जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया है ट्विटर के ऊपर या उनके कम्युनिटी वगैरह पेज के ऊपर जाके। और दोस्तों इसमें iPhone 13 Pro या Pro Max वाले मॉडल भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर पिंक स्क्रीन हो रही है, यानी कि स्क्रीन में कोई दिक्कत है। और दोस्तों आपको बता दूं कुछ यूजर्स ने या फिर मैं कंफर्मली नहीं कह सकता कि किसी ने कहा जरूर है कि एप्पल को ये इश्यू पता है बेसिकली, और ये इश्यू जो है ये एक सॉफ्टवेयर बग है। अब दोस्तों देखते हैं, वैसे आपको बता दूं ये पहली बार नहीं हुआ है, iPhone 13 सीरीज के साथ ये पहले भी हो चुका है। ये अक्टूबर में इसकी स्क्रीन जो है पिंक होनी शुरू हो गई थी, तो दोस्तों तब भी यूजर्स ने ये रिपोर्ट किया था और अब फिर से निकल के आ रहा है ये सेम इशू। और दोस्तों फ्लिपकार्ट ने ग्रैंड गैजेट डे सेल, दोस्तों ये आज से शुरू हो चुकी है, 26 जनवरी तक चलेगी। इसके अंदर आपको अप टू 80% तक डिस्काउंट मिल सकते हैं। दोस्तों एक्सेसरीज के ऊपर, फोन के ऊपर 80% डिस्काउंट कौन देता है, पर हाँ आपको फोन के ऊपर भी कुछ ना कुछ अच्छी डील्स या डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, बैंक ऑफर्स मिला के आपको थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों एक्सेसरीज के ऊपर अप टू 80%, तो जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं अभी ये सेल लाइव हो चुकी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला H30 Pro, दोस्तों ये ग्लोबल वेरिएंट जो कि बिल्कुल सेम एज इट इज मोटोरोला X30 की तरह जो चाइना में लॉन्च हुआ था 8th Gen 1 के ऊपर, दोस्तों वैसे ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में ग्लोबल वेरिएंट को स्पॉट किया गया है और दोस्तों ये जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि X30 का रीब्रांडेड वर्जन होगा 30 Pro, देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप बताऊं साथ में ही Oppo Find X5 Pro, दोस्तों इसकी भी कंफर्मेशन हुई है कि इसका जो बैक पैनल होने वाला है वो कुछ रिफ्लेक्टिव सा होने वाला है। दोस्तों इसके अंदर आपको थोड़े अलग कलर्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों 8th Gen 1 के ऊपर ये भी फोन आएगा, अभी इसके अंदर कहा जा रहा है 50 MP का प्राइमरी रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, ये भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, फ्रंट में 32 MP का एक्सपेक्टेड है।
बाकी दोस्तों 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले। अब दोस्तों ये जो बोली हमारी चीजें ये सारी सारी एक्सपेक्टेड है, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों ओप्पो की मैंने आपको डेट बताई निकल गई थी रेनो 7 सीरीज को लॉन्च करने की 4th of February, और आज कंपनी की तरफ से कंफर्म हो चुकी है, उन्होंने कह दिया कि 4th of January को ये फोन आने वाले हैं इंडिया में। तो देखते हैं दोस्तों कि इनके क्या प्राइसेस आते हैं, जो मैंने आपको बताए थे क्या वही आएंगे या फिर कुछ और। दोस्तों गूगल की तरफ से कुछ कंफर्मेशन मिल रही है, गूगल पिक्सल 6a आने वाला है और कहा जा रहा है कि ये मई के अंडर आ सकता है, यानी कि मई में। तो देखते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इसका लॉन्च इवेंट रखेंगे मई के अंदर, और उन्होंने कहा है कि इसके अंदर भी वही टेंसर चिप आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों कैमरा सेटअप हो सकता है थोड़ा छोटा हो, पर फोन के अंदर आपको काफी अच्छे स्पेक्स मिलने वाले हैं। और यही दोस्तों बता दूं, रीबॉक की तरफ से आज एक्टिव फिट 1.0 उनकी दोस्तों स्मार्ट वॉच है, हार्ट रेट के साथ में, SpO2 मॉनिटर करने के साथ में ये लॉन्च हो चुकी है। 15 डेज की बैटरी लाइफ है दोस्तों, स्टैंडबाय टाइम इसका 30 डेज का है, लेकिन अगर आप इसे यूज करते हो रेगुलरली तो 15 डेज ये चलेगी। और इसका प्राइस रखा गया है 4,499 रुपीज। अब दोस्तों ये बता दूं आपको, इसके अंदर IP67 की रेटिंग मिलती है, तो रेटिंग के मामले में काफी सही है, वैसे बैटरी लाइफ भी मुझे काफी अच्छी लगी सुनने में। और दोस्तों ये जो है एक 1.3 इंच की HD डिस्प्ले के साथ में आती है, तो जो भी लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं, ये Amazon के ऊपर एक्सक्लूसिव भी जाएगी सेल पे, तो जो भी लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं वो इसे कर पाएंगे जल्दी ही। और दोस्तों बता दूं सोनी की तरफ से आज उनके SRS दोस्तों NB10 दोस्तों ये नेकबैंड स्पीकर्स हैं, और साथ में एक और लॉन्च हुए हैं SRS NS7 दोस्तों, ये भी नेकबैंड स्पीकर्स हैं। अब दोस्तों इन दोनों में प्राइस में काफी फर्क है, अगर मैं NB10 की बात करूं तो दोस्तों वो आपको 11,990 का मिल जाता है, यही अगर मैं S7 की बात करूं तो वो आपको मिलेगा 22,990 रुपीज का। दोस्तों दोनों ही जो है नेकबैंड है उन्होंने कहा है काफी जबरदस्त है, इनके अंदर जो आपको साउंड क्वालिटी मिलने वाली है वो सिनेमा एट होम की मिलेगी, यानी कि जो सिनेमा में जाके आपको जैसी साउंड मिलता है बिल्कुल वैसा ही प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों ये, और काफी जबरदस्त इनका साउंड क्वालिटी भी है। और उन्होंने कहा जो इसका बैकअप मिलता है बेसिकली जो NB10 है वो आपको 12 आवर्स का दे देता है, और अगर मैं S7 की बात करूं तो वो आपको दे देता है 20 आवर्स तक का। तो दोस्तों प्लेबैक टाइम ठीक है, और आपको काफी ज्यादा बूस्टेड वॉइस मिलती है इसके अंदर, यहाँ साउंड तो काफी अच्छे हैं दोस्तों। ये Amazon और सोनी की अपनी खुद की साइट के ऊपर जाएंगे सेल के ऊपर आज से ही, तो जो भी लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं उसे कर पाएंगे। और दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट की बात की थी, तो फ्लिपकार्ट का बता दूं आपको ग्रोसरी सर्विस जो है उसको एक्सपेंड कर दिया गया है इंडिया में, और अब जो है ये 1800 सिटीज में आ चुकी है दोस्तों। टोटल 23 स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये आ चुकी है सर्विस, तो अगर आपके स्टेट में या आपके सिटी में आ चुका है तो आप इसको यूज कर पाओगे दोस्तों। उन्होंने कहा है काफी अच्छी सर्विस देते हैं, बाकी देखते हैं दोस्तों जब तक फुली स्टार्ट होती है तब बेसिक पता चलेगा। और दोस्तों आप बारी होती है ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है टाटा नेक्सॉन की तरफ से। दोस्तों टाटा नेक्सॉन जो है इसका प्राइस बढ़ चुका है 15,000 रुपीज तक, यानी कि अलग अलग मॉडल के ऊपर अलग अलग प्राइस बढ़ा है, कहीं कहीं पे 3,000, कहीं पे 5,000, कहीं पे 15,000, कहीं पे 10,000, तो अलग अलग बढ़ा है दोस्तों। तो जो भी लोग अब ट्राई करेंगे इसे उन्हें महंगी पड़ेगी। और दोस्तों 7th generation की फोर्ड मस्टैंग के ऊपर काम शुरू हो चुका है, कंपनी की तरफ से कंफर्म हो चुका है 2023 तक ग्लोबल डेब्यू कर जाएगी या फिर लॉन्च कर जाएगी। अब दोस्तों इंडिया के लिए अभी तक उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, मैंने आपको लास्ट कुछ मंथ पहले बताया था आपको याद होगा मैच ई आई थी वो इंडिया में लॉन्च हो गई थी और कंपनी की तरफ से कंफर्म भी थी। दोस्तों अभी तक इंडिया में 6th generation वाली भी लॉन्च नहीं हुई है, तो 7th generation वाली अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, देखते हैं दोस्तों कि 6th generation वाली आती है या नहीं आती है, अगर वो नहीं आई तो 7th generation वाली शायद ना आए, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों ऑडी की तरफ से Q7 का फेसलिफ्ट होना मैंने आपको पहले बताया था, ये कंफर्म हो चुका है, ये 3rd of February को होने वाला है, तो दोस्तों काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आने वाला है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है इस बार कि जो डीजल इंजन है वो खत्म कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली पेट्रोल पे ये SUV रह जाएगी, तो देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों टाटा की मैंने पहले बात की थी, तो टाटा अल्ट्रोज टर्बो पेट्रोल इसका प्राइस जो है वो कम हुआ है, आपको बता दूं इसका जो प्राइस है वो कुछ 8,000 रुपीज तक कम हुआ है, तो दोस्तों जो भी लोग इसे ट्राई करेंगे उन्हें थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से, पर फिर भी उनको थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। और बाकी वेरिएंट्स जो है आपको याद होगा मैंने बताया था थोड़े थोड़े बड़े भी थे बीच में, तो दोस्तों डिफरेंस है एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके सभी के सभी प्राइसेस जो है वो डिफर हो चुके हैं अब। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज के टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट्स होते हैं बैंड, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।